वेलकम बैक टू स्टॉक्स पाव यूट्यूब चैनल। तो आज अपने हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि 10.65 यहाँ पे आप देख सकते कि क्लोजिंग दे चुका है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। पिछले एक दो दिन में यहाँ पे थोड़ी सी वीक मूवमेंट और बेरिश मूवमेंट देखने को मिली थी, पर रिसेंटली देख सकते कि फिर से बाउंस बैक किया है अच्छा सुजलॉन एनर्जी ने। और तकरीबन देख सकते कि 10.65 यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे 10.60 पे क्लोजिंग दिया, 4% ऊपर क्लोजिंग दिया, 4% से ज्यादा तेजी देखने को मिले आज के दिन में। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ है क्या रिगार्डिंग सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। तो न्यूज़ की बात की जाए तो करंटली कोई खास न्यूज़ नहीं है सुजलॉन स्टॉक के लिए। सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लीड्स लूजर इन बी ग्रुप, तकरीबन देखा जाए तो सिंटेक्स प्लास्टिक में काफी गिरावट देखने को मिले आज की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर जैसे ओपनर स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी ऊपर 11 लेवल पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिले। मार्केट कैप जो है 15,000 करोड़ को क्रॉस वो फिर से एक बार किया है, पी रेशो 4.94 है। और लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिले। तो वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 25 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, ट्रेडेड वैल्यू 26,700 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन की भी बात की जाए तो देख सकते कि क्वांटिटी जो ट्रेडेड है तकरीबन 22 करोड़, उसमें से 6 करोड़ 50 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिला के 28% क्वांटिटी नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए सुजलॉन स्टॉक के तो देख सकते कि काफी गिरावट के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। तो फिर से यहाँ पे बाउंस बैक होता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक। तो रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पे फिर से यहाँ पे 11 लेवल को ब्रेकआउट देता है। तो लास्ट टाइम भी 11 लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया था, तो 11 को ब्रेकआउट देता है तो इजीली 12 तक जा सकता है स्टॉक।